हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। ये जो सॉसेस हैं ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इन्हें हम चाइनीज़ फूड में जनरली यूज़ करते हैं। वैसे हम इन्हें अदर रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये चाइनीज़ फूड में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और आप जानते हैं कि ये सॉसेस बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये सॉसेस बनकर तैयार हो जाती हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 रुपए में ये सॉसेस बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाती हैं। इन्हें बनाकर हम साल भर के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वादिष्ट रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है। ये मोटी वाली मिर्च तीखी कम होती हैं, इससे कलर अच्छा आता है और सॉस में थिकनेस भी बढ़ती है। इनकी डंठल को अलग करके हमें इन्हें रफली चॉप करना है। ये देखिए, ये सारी मिर्च को हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम लेंगे पतली वाली तीखी हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च हमारी सॉस को देगी तीखापन। तो एक हो गई मोटी वाली हरी मिर्च, जिसे हम भरकर अचार भी डालते हैं, और एक हो गई ये तीखी हरी मिर्च जो तीखापन बढ़ाएगी। मीन्स दोनों हरी मिर्च मिलकर ग्रीन चिली सॉस का फ्लेवर, टेस्ट, तीखापन और थिकनेस बढ़ाएंगी। दोनों मिर्च रफली चॉप होकर तैयार हैं। अब इसमें हम जो ऐड करेंगे वो है थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और बिल्कुल थोड़ी सी प्याज। अब सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जब जीरा कड़कड़ाने लगे तब हम इसमें डाल देंगे सारी हरी मिर्च। पहले मैंने इसमें छोटी वाली तीखी हरी मिर्च ली है, इन्हें हल्का सा सॉटेट करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और प्याज, इन्हें भी लाइट सॉटे करेंगे। और अब हम इसमें मोटी वाली हरी मिर्च भी डाल देंगे। सभी को हमें 30 सेकेंड के लिए अच्छे से सॉटे करना है। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पकने के लिए रखेंगे। यहाँ मैंने एक मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और इसमें अब हम पानी डालकर इसे ढककर पकाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसे आप कुकर में भी एक सीटी लेने तक पका सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को कुकर में डालें, थोड़ा सा पानी डालकर एक सीटी लगा लें। एंड मार्केट की जो सॉसेस होती हैं उनमें थोड़ा सा पोटैटो पल्प ऐड होता है, तो अगर आप इसमें पोटैटो ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसमें सोडियम बेंजोएट, जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, उसे भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें आलू ऐड नहीं करेंगे तो इसे आप बिना प्रिजर्वेटिव के रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने इसे ढककर 20 मिनट तक पकाया है। इसका पूरा पानी अच्छे से सूख गया है और मिर्चियाँ, लहसुन, अदरक, प्याज सभी पक चुके हैं। अभी ये गर्म है तो इसी टाइम पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। वैसे किसी भी चीज़ में शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव का ही काम करती है, तो आप कोई भी चीज़ अगर लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें नमक या शुगर ऐड कर दें, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करती है। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और थोड़ा सफ़ेद नमक भी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के बाद अब इसे हम मिक्सी में डालकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जब तक कि इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी ना हो जाए। ब्लेंड करते समय अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका। सिरका डालने के बाद चिली सॉस को अच्छे से ग्राइंड कर लें, फिर इसे एक बार हम छन्नी से छानेंगे। वैसे तो ये एकदम स्मूथ ग्राइंड हो गई है, बट कई बार थोड़ा बहुत अनियन का टुकड़ा,
लहसुन अदरक के पीसेस कुछ भी रह जाता है या थोड़ी सी भी जो थिकनेस है उसे अलग करने के लिए, लाइक एकदम मार्केट जैसी स्मूथ प्यूरी वाली सॉस बनाने के लिए इसे हम एक बार स्ट्रेन करेंगे। ये देखिए, छानने के बाद जो भी थोड़े बहुत सीड्स या उसकी स्किन रहती है वो सब ये निकल जाती है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे या फिर आप इसे किसी भी चटनी में या सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो पल्प है ये एकदम फाइन और स्मूथ प्यूरी है, एकदम मार्केट की सॉस की तरह इसका कलर भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इस सॉस को एक साफ क्लीन और ड्राई बॉटल में हमें भरकर रखना है। अब इस सॉस को आप इजीली 6 महीने तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, ना तो ये खराब होगी और ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत है। और अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं या आपको पूरे साल के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस तैयार है, इसे आप एयर टाइट बॉटल में फ्रिज में स्टोर करके रखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेड चिली सॉस की रेसिपी। रेड चिली सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 प्रकार की मिर्च ली हैं, एक सूखी लाल तीखी मिर्च, इन्हें हम गर्म पानी डालकर आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रखेंगे, एंड सेकंड हमने ली है लाल मोटी वाली मिर्च जो कि विंटर्स में आती हैं लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए, इन्हें भी हम अच्छे से क्लीन करके रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि ये वाली मिर्च ऐड करने से सॉस में थिकनेस, कलर, टेस्ट और फ्लेवर सब कुछ अच्छा आएगा और बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी चिली सॉस बनकर तैयार होगी। साथ ही मैंने यहाँ थोड़े से लहसुन और अदरक भी ले लिए हैं। अब इनसे रेड चिली सॉस बनाने के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसे गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा, साथ ही इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। जब ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। ये देखिए, लहसुन सिक चुका है, इसका कलर चेंज होने लगा है, सभी मिर्च को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मोटी वाली लाल मिर्च को 30 सेकंड अच्छे से फ्राई करने के बाद जो सूखी लाल मिर्च हमने सोक होने के लिए रखी थी उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सूखी लाल मिर्च को जो हमने गर्म पानी में सोक होने के लिए रखी थी उसे पानी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, अलग से हमें इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। अब इसे ढककर हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। आप चाहें तो इन्हें भी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ कुकर में डालकर 1 सीटी लेने तक पका लें, बट कुकर में पकाने से इसमें थोड़ा सा जो पानी की नमी रह जाती है उससे सॉस ख़राब भी हो सकती है, इसलिए अगर आप इन्हें कढ़ाई में पकाएंगे तो इसका पूरा पानी सुखा लें, इन्हें ड्राई कर लें, उसके बाद ही इन्हें पीस कर इनकी सॉस तैयार करें। इससे सॉस जल्दी ख़राब नहीं होगी और इसे आप ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। मिर्च को हमें ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है और इनका पूरा पानी भी सुखाना है। ये देखिए, मिर्च का पूरा पानी ड्राई हो गया है, मिर्च एकदम सूखी सूखी हो गई हैं। अब ये सॉस के लिए एकदम रेडी हैं। अभी ये गर्म है तो इसी टाइम पर हम इसमें शक्कर और नमक भी ऐड करेंगे। शक्कर एंड नमक जो कि एक प्रिजर्वेटिव का ही काम करते हैं, हमें इसमें अलग से प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा करने के बाद हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। रेड चिली सॉस को ब्लेंड करते समय इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका, इससे ये स्मूथली ब्लेंड भी हो जाएगा और ये फाइन पेस्ट बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसे मैंने फाइनली ब्लेंड कर लिया है और इसे अब हम स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें भी जो सीड्स हैं या थोड़े भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं।
अगर आप समर्स में रेड चिली सॉस बना रहे हैं तो समर्स में तो ये मोटी वाली लाल मिर्च मिलती नहीं है, तो फिर क्या करें? इसके लिए आप सूखी वाली लाल मिर्च, तीखी वाली भी ले लें, और कुछ आती है चपाटा मिर्च या कश्मीरी मिर्च जिनमें सिर्फ कलर होता है, तीखापन नहीं होता है, उन्हें भी ले लें। दोनों को मिलाकर आप चिली सॉस बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, पूरी चिली सॉस को मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब जो इसमें थोड़े से सीड्स, चिली की जो स्किन वगैरह बच जाती है, इसे आप डिस्कार्ड ना करें। इसे आप ग्रेवी में, चटनी में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ये कितना स्मूथ, एकदम बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर ये रेड चिली सॉस आप पूरी ड्राई रेड चिली से बनाते तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता, बट हमने ये विंटर स्पेशल रेड चिली से बनाई है तो इसका फ्लेवर और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और कलर भी एकदम खिलकर आया है। सॉस को स्टोर करने के लिए एकदम क्लीन और ड्राई बॉटल में इसे आप भर लें और एयर टाइट करके फ्रिज में रख दें। इसे भी आप इजीली 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो फाइनली हमारी चटपटी, टेस्टी, यम्मी रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही इजीली घर में बन जाती हैं। घर में बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया है ये हमें ही पता है, मार्केट की सॉसेस में क्या है ये किसे पता। इसलिए जो भी खाएं, हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं। और जब इतने कम दामों में और इतने कम टाइम में ये सॉसेस बनकर तैयार हो जाती हैं, तो फिर क्यों हम इन्हें मार्केट से लें। तो इसी तरह आप भी बनाइए स्वादिष्ट चटपटी ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस, एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन कॉमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई रेसिपीज। तो आज के हमारे खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो ये हैं। अगर आप ग्रीन चिली सॉस बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें एक तीखी वाली हरी मिर्च लें और एक मोटी वाली हरी मिर्च लें। मोटी वाली हरी मिर्च भी हर सीजन में अवेलेबल होती हैं। कभी ये थोड़ी ज़्यादा मोटी भरवा वाली मिर्च मिल जाती हैं, तो कभी ये थोड़ी पतली अचार वाली, जो भी मिले उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। एंड रेड चिली सॉस के लिए अगर आपको मोटी वाली लाल मिर्च ना मिले तो इसमें आप सूखी लाल तीखी मिर्च ऐड कर सकते हैं, साथ ही उसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च या चपाटा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें बॉडी देने के लिए आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना पड़ेगा, तब ये सॉस एकदम परफेक्ट बनेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें हमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप फ्रिज में 6 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं।